तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तीन तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। और लिंग पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, अगर शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मौन होकर उसको निहार लो, केवल मौन होकर निहार लो, बहुत। जो हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है, एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा, पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही। महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा और पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चला गया। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है, श्री हनुमान जी महाराज आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ 108 बेलपत्र, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर
कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्व मुखी, हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए। पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो, वो माला ऐसी समर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ कर तीन बार स्मरण कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष काल। तीसरी है आंकड़े की माला, महाराज आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाए। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई बार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए, तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना ढाई महीना या तीन महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये कौन सी पुराण से लिया है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लीजिए, उसके अंतर्गत आप इसका व्याख्यान वर्णन पढ़ सकते हैं। महाराज एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का हम उसको बस ज्ञात करें, हम इधर उधर डोले नहीं। हमारी पुराणों में इतनी इतने लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते। मंत्र कौन सा जो दिया जा रहा है, वो मंत्र कौन सा है जो प्रदान किया जा रहा है? हनुमान जी महाराज ने वो मंत्र जो विभीषण को दिया, और एक विभीषण जिसको लात मार दी गई, एक विभीषण जिसको लात मार कर निकाल दिया गया, जिसके घर का भी ठिकाना नहीं था, वो विभीषण एक छोटे से मंदिर में जो रहता था, तुलसी का क्यारा जिसके दरवाजे पर था, और वो विभीषण जब सीत रावण को देता है, तो वही विभीषण को जब लात मार कर निकाल दिया जाता है, तो वो मंत्र कौन सा था जिसको विभीषण ने जपा और विभीषण लंका का अधिपति बन गया।